हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर नेटवर्क क्लास। आज की इस क्लास में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टॉप लिनक्स नेटवर्किंग कमांड्स। तो देखो गाइज, मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे अपर लेवल की टेंशन नहीं है कि यार हाई लेवल में क्या पूछ सकते हैं, क्योंकि वो एस्पेक्ट हमारा कवर हो चुका है। मुझे जो छोटे मोटे बेसिक पॉइंट जो है ना, उसमें थोड़ा सा आई एम लिटिल वरी अबाउट इट। तो इसीलिए ऑल्दो मैंने उसके रिलेटेड भी आपको बहुत सारे पॉइंट जो है वो बता दिए हैं, लेकिन ये छोटा सा पॉइंट मेरे को मिसिंग लग रहा था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर भी फटाफट से एक वीडियो बना दूं। तो देखो यहाँ पे मैंने 2021 कमांड्स जो हैं वो लिनक्स की कमांड्स लिखी हैं। अब आपको पता ही है कि लिनक्स में हमारे पास जो मेजर कमांड्स आती हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मैं कुछ कमांड्स आपको करवाऊंगा, ऐसे ही नेटवर्क्स में ना वैसे तो बहुत सारी कमांड्स हैं, लेकिन आप अगर मान के चलो कि यार आपको इस तरीके से तो पूछेंगे नहीं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की यार टॉप 10 कमांड्स के बारे में लिखो या कुछ ऐसे। आपको मेन मेन कमांड्स का नेम जो है वो पता होना चाहिए कि उनकी क्या फंक्शनैलिटी है, बस ये। क्योंकि ना क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, आपको फंक्शनैलिटी दी होगी, बोला जाएगा कि बताओ ये किस कमांड के थ्रू करेंगे, या कमांड दी होगी और ये पूछ लेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कमांड। तो ये क्वेश्चन जो है एक आधा आने का चांसेस बन जाता है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इन कमांड्स का जस्ट नेम, इनको नोट कर लेना। जिनके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा हूं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा जो आप मान सकते हो, जैसे सबसे पहली कमांड आ जाती है इफ कॉन्फिग। तो देखो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफ कॉन्फिग। Linux if config stands for the interface configuration. Interface configurator इसको हम बोलते हैं। Interface का यहाँ पे मतलब क्या है? Interface is what? Let's say this is your PC, this is your machine and this is your network. तो obviously जहाँ पे network and आपका PC मिलते हैं, मतलब जहाँ पे ये दोनों आपस में connect होते हैं, that is called the interface. उसको हम बोलते हैं interface. जैसे आपके system में आप NIC card को क्या बोल सकते हो? एज ए इंटरफेस। सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ये हार्डवेयर भी हो सकता है, गेटिंग द पॉइंट। ऐसे ही लेट्स से अगर हम राउटर की बात करें, तो लेट्स से दिस इज अवर राउटर, एंड राउटर क्या है? मल्टीपल नेटवर्क्स के साथ क्या है? कनेक्टेड है। तो जिस जिस नेटवर्क के साथ वो कनेक्टेड है, तो ये सारे क्या है? अलग अलग इंटरफेस। ये इंटरफेस नंबर 0, इंटरफेस नंबर 1, इंटरफेस नंबर 2, इंटरफेस नंबर 3। तो जो इंटरफेस बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है? कनेक्शन आप बोल सकते हो बिटवीन सिस्टम एंड बिटवीन द डिवाइस, या आप ये भी बोल सकते हो कि एक तरह से डिवाइस और नेटवर्क को जहां पे कनेक्शन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ इंटरफेस। तो लेट्स से अब आपके सिस्टम की बात करें, तो आपका सिस्टम नेटवर्क से कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ दैट सिस्टम, मैक एड्रेस क्या है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट कितना है, कि मैक्सिमम में एक बार में कितने बाइट सेंड कर सकते हैं, कितना डेटा सेंड कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो आप if config कमांड से उठा सकते हो। देन हमारे पास दूसरी कमांड आती है आईपी कमांड। आईपी कमांड जो है वो if config का ही लेटेस्ट वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है। तो अगर आपको if config के बारे में पूछ सकते हैं या फिर आपको आईपी के बारे में पूछ सकते हैं, तो दोनों का पर्पस सेम ही है, दोनों ने काम वही बताना है, ईच एंड एवरी पॉइंट वही है कि नेटवर्क इंटरफेस के बारे में आपको ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो देनी है। क्योंकि ये जो जितने भी कमांड्स है ना, वो या तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है या फिर ट्रबल शूट से रिलेटेड है, कि कैसे नेटवर्क को मेंटेन करना है, कैसे रिकवर करना है, उसी से रिलेटेड मैक्सिमम आपकी कमांड्स हैं। देन हमारे पास थर्ड कमांड आती है ट्रेस रूट। इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रेस रूट। तो ट्रेस रूट क्या है? लिनक्स ट्रेस रूट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल कमांड, और यहाँ पे ये पर्पस जो इसका क्या है, ट्रबल शूट। ये पॉइंट नोट कर लेना, ट्रबल शूटिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो जो भी डिलेज वगैरह आते हैं पाथ के अंदर, जैसे आपने लेट से आपका सोर्स से डेस्टिनेशन पे आपने ट्रेस रूट कमांड को सेंड किया, तो बिटवीन द आप कह सकते हो रास्ते में आपका जो पाथ है, उस पाथ में कोई डिलेज आई, कोई लेटेंसीज आई, वो किस वजह से आ रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वो आपको कहीं ना कहीं ट्रेस रूट जो है वो बताता है। मतलब एक तरह से जो रूट है ना, उसको ट्रेस कर रहे हैं हम यूजिंग दिस ट्रेस रूट कमांड। तो ये बेसिक सा फंडा है ट्रेस रूट का। देन हमारे पास आ जाता है बाकी की कहानी, आप एक बार जस्ट इसको गो थ्रू कर लेना, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक एक पॉइंट जो है वो नोट कर लेना। देन ट्रेस पाथ। तो ट्रेस पाथ जो है वो सिमिलर टू द ट्रेस रूट ही है, जो ट्रेस रूट का पर्पस है वही है, बट यहां पे आप कह सकते हो कि मेजर डिफरेंस है कि ट्रेस पाथ में इट डजंट रिक्वायर द रूट प्रिविलेज, मतलब आपको सूडो प्रिविलेज की जरूरत नहीं है। रूट क्या मतलब क्या है? रूट क्या होता है? रूट इज लाइक अ, आप कह सकते हो जैसे विंडोज में हमारे पास जो मेन यूजर होता है, That is called a root privilege. तो root privilege की या admin kind of privilege की आपको जरूरत नहीं है ट्रेस पाथ में,
लेकिन ट्रेस रूट में आपके पास प्रिविलेज होनी चाहिए, तभी आप एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आपके पास डीबीए की प्रिविलेज है, मतलब आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की अगर प्रिविलेज है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की, देन ओनली यू कैन यूज दैट कमांड। लेकिन ट्रेस पाथ जो है वो नॉर्मली अवेलेबल है Ubuntu में बाय डिफॉल्ट, ठीक है। Ubuntu इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, Linux जो है वो बेसिकली क्या है, कर्नल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो मल्टीपल वर्जन आते हैं Linux के, Red Hat है, Ubuntu है, इसके अलावा Kali है, ठीक है ना, मे बी आपने इनके नाम जो है वो सुने होंगे। देन अगर हम बात करें पिंग, ये भी नोट कर लेना, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाती है आपकी पिंग, बहुत ज्यादा यूज होती है ट्रबल शूटिंग के लिए। लाइक अगर आपने अपने सिस्टम से पिंग रिक्वेस्ट भेजी तो वो क्या होता है कि आपको बताती है कि यार आपका पूरा का पूरा राउंड ट्रिप टाइम क्या है, मतलब पैकेट गया और आपके पास एक्नॉलेजमेंट वापस आई, व्हाट इज द टाइम इट इज टेकिंग, ठीक है ना। आप google.com के साथ पिंग डाल सकते हो, किसी भी आप पर्टिकुलर साइट के साथ पिंग अगर डालते हो तो वो उस सर्वर तक जाके वापिस आती है रिक्वेस्ट, और ये यूज करता ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये भी नोट कर लेना, और इसकी फुल फॉर्म जो है पैकेट इंटरनेट ग्रोपर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जो है वो नोट कर लेना। देन नेट स्टैट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लेना, नेटवर्क स्टैटिस्टिक, इसका फुल फॉर्म जो है वो ये है। तो नेटवर्क से रिलेटेड आपका जो इंटरफेस है उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितने ओपन कनेक्शन है, राउटिंग टेबल क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन नेट स्टैट देता है। देन आ जाता है SS जो है वो एक तरह से एडवांस वर्जन है नेट स्टैट का ही। तो ये दोनों पॉइंट जो नोट कर लेना, अगर नेट स्टैट कभी एग्जाम में आया हुआ है तो हो सकता है वो SS पूछ ले, ठीक है ना। तो ये रिप्लेसमेंट है सिंपली नेट स्टैट का, और फास्टर है, मोर इंफॉर्मेटिव है, मतलब आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू द नेट स्टैट से, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है वो कर्नल के यूजर स्पेस से इंफॉर्मेशन उठाता है। बाकी ना ये कमांड्स के अंदर बहुत सारे वेरिएशन भी हैं, मतलब आप इस कमांड के अंदर माइनस हो, माइनस भी, बहुत सारे वेरिएशन जो है वो कर सकते हो। अगर आप इतनी डिटेल में करना चाहते हो तो आप मैन, दैट इज कॉल्ड अ मैनुअल, अगर आप मैन के साथ लेट से कोई पिंग लिखते हो या मैन के साथ SS लिखते हो तो वो सारी पॉसिबिलिटी दिखा देता है कि इसको आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो। लेकिन एक एक पॉइंट नोट कर लो, आपको इस एग्जाम में इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। देन आ जाता है डिग, ये भी नोट कर लेना, डिग जो है इट इज फॉर द डोमेन इंफॉर्मेशन ग्रोपर। तो DNS से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी ट्रबल शूटिंग है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो है वो आप डिग कमांड से उठा सकते हो। देन NS lookup आपका आ जाता है, ये भी एक तरह से DNS रिलेटेड क्वेरीज के लिए ही है, लेकिन ये ओल्डर वर्जन है किसका, डिग का, गेटिंग द पॉइंट। देन अगर हम बात करें रूट, तो रूट क्या है, लिनक्स रूट कमांड डिस्प्लेज एंड मैनिपुलेट द राउटिंग टेबल एग्जिस्टिंग ऑन योर सिस्टम। तो राउटिंग टेबल में को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए हम किसको यूज करते हैं, हम एक तो हमारे पास होता है RIP, दैट इज राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, OSPF, दैट इज ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, और इसके अलावा हमारे पास होता है BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। RIP यूज करता है कौन सा एल्गोरिदम, यूज करता है डिस्टेंस फैक्टर, ये भी नोट कर लेना, डिस्टेंस फैक्टर जो है वो यूज करता है। OSPF यूज करता है लिंक स्टेट राउटिंग। तो उसमें हम क्या बनाते हैं, राउटिंग टेबल्स बनाते हैं, रेगुलरली हम राउटिंग टेबल्स को अपडेट करते हैं, तो उसमें रूट कमांड जो है वो हेल्प करती है। देन होस्ट आ जाता है, होस्ट बेसिकली क्या है, लिनक्स होस्ट कमांड डिस्प्लेज द डोमेन नेम ऑफ अ गिवन IP address, वही कि आपको IP address पता है और उसको आपको डोमेन नेम पता करवाना है, तो कहीं ना कहीं आप होस्ट कमांड का जो है वो यूज कर सकते हो। देन आ जाता है हमारे पास ARP, ARP is what? Address Resolution Protocol. तो Address Resolution Protocol यहाँ पे क्या कह रहा है? Linux ARP command stands for the Address Resolution Protocol. It is used to view and add content to the kernel's ARP table. तो ARP Address Resolution हम क्यों use करते हैं? यहाँ पे हम RARP and ARP दो use करते हैं कि अगर मेरे को MAC address पता और मुझे IP address पता करना है, लाइक मुझे किसी भी सिस्टम का MAC address पता है LAN में और मुझे IP address पता करना है, या IP address पता और उसका मुझे MAC address पता करना है, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। देन IW config इज यूज टू कॉन्फिगर द वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस के लिए हम लाइक Wi-Fi के अंदर हम किसको यूज करते हैं, IW config के लिए। नॉर्मल हमारे पास वही आ गया if configure, वायरलेस के अंदर हम यूज करते हैं IW config, क्योंकि W जो है वो वायरलेस को शो करता है। देन होस्ट नेम, पहले था होस्ट अब आ गया होस्ट नेम। तो लिनक्स होस्ट नेम इज अ सिंपल कमांड यूज टू व्यू एंड सेट द होस्ट नेम ऑफ अ सिस्टम, मतलब कोई भी सिस्टम है उसका होस्ट का नेम जो है वो सेट करना है, देखना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इसको। मेनली अगर हम इसमें बात करें तो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई है उनको नोट कर लेना,
वो आपको मे भी पूछ लें, तो ये NS लुकअप भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, बाकी जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो कि होता क्या है। देन हमारे पास आ जाती है curl and wget। तो लिनक्स curl and wget कमांड इज यूज टू डाउनलोडिंग द फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट थ्रू CLI। तो पुराने टाइम में जब हमारे पास डोज वगैरह सिस्टम हम यूज करते थे, तो कमांड लाइन इंटरफेस से अगर कोई फाइल वगैरह डाउनलोड करनी है, देन वी यूज curl and wget कमांड। अभी जो है वो, अब तो देखो सारा GUI इंटरफेस है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इसको जस्ट एक बार नोट कर लो। कई बार ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुरानी कमांड्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर लेते हैं। देन MTR, लिनक्स MTR कमांड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिंग एंड ट्रेस रूट। तो पिंग मैंने आपको बताई, ट्रेस रूट बताई, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो इसमें हम यूज करते हैं। इट डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पैकेट सेंड विद द पिंग टाइम ऑफ ईच होप। मतलब कितना टाइम वो ले रही है ऑन एवरी होप, होप मतलब हर एक मशीन पे वो कितना टाइम ले रही है पहुंचने में और वापिस आने में। देन आपके पास आ जाती है WHOIS। ये बेसिकली क्या है, हु इज। तो हु इज का यहाँ पे फंडा क्या है कि आपके पास कोई भी वेबसाइट का नाम है, उस वेबसाइट से रिलेटेड आपको कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है कि कौन उस वेबसाइट का किस नाम से रजिस्टर्ड है, कौन ओनर है, वो आपको हु इज कमांड जो है वो, मतलब हु इज google.com, हु इज Facebook, तो आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जो है वो हु से रिलेटेड प्रोवाइड कर देगा। देन इफ प्लग स्टेटस, प्लग का स्टेटस वही आ गया कि लेट्स से अगर आपका इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस, NIC कार्ड जो भी आप यूज कर रहे हो, क्या वो प्रॉपरली प्लग्ड इन है। कई बार होता है ना कि यार आपने इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और वो दिखा रहा है कि इंटरनेट नॉट अवेलेबल या कनेक्ट नहीं हो रहा, तो फिर हम ट्रबल शूट करते हैं। तो ट्रबल शूट के टाइम पे वो चेक करता है कि वेदर NIC कार्ड इज प्रॉपरली वर्किंग और नॉट, ठीक है ना, मतलब आपका इंटरफेस प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। देन इफ टॉप, लिनक्स इफ टॉप कमांड इज यूज फॉर द नेटवर्क मॉनिटरिंग। नेटवर्क के अंदर कितना ट्रैफिक है, कहाँ कहाँ से पैकेट आ रहे हैं, जस्ट जैसे वायरशार्क वगैरह जो सॉफ्टवेयर टूल्स है उनके थ्रू हम क्या देखते हैं, जस्ट मॉनिटर करते हैं कि कितना पैकेट्स आ रहे हैं पर सेकंड, कितने पैकेट्स जा रहे हैं, बैंडविड्थ कितनी यूटिलाइज हो रही है, कहाँ से पैकेट आ रहे हैं, उनको मॉनिटर करने में हेल्प करता है। देन TCP डंप, तो TCP डंप कमांड इज द मोस्ट यूज्ड कमांड इन द नेटवर्क एनालिसिस among the other Linux network command। it captures the traffic that is passed through the network interface and displays। this is important, इस पेज में important आपकी बन जाती है TCP dump। तो जो भी packets जा रहे हैं, जो भी information जा रही है, उनको हमने just monitor करना है, check करना है, उसके लिए हम TCP dump को use करते हैं। finally आपके पास आ जाती है SSH। SSH command है secured socket के लिए हम use करते हैं। नॉर्मली पहले रिमोट लॉगिन जब हम करते थे तो हम टेलनेट का यूज करते थे या फिर आर लॉगिन कमांड का यूज करते थे, तो वो क्या होता था, प्लेन टेक्स्ट होता था। प्लेन टेक्स्ट मतलब कि कोई भी आपका यूजर नेम पासवर्ड और प्लेन टेक्स्ट में जाता था। तो सिक्योरिटी का फंडा जो है वो, आज के टाइम पे आप बिना सिक्योरिटी के कोई भी काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग आप यूज कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, सब जगह पे आपको आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना है, तो कहीं ना कहीं SSH जो है वो यूज होती है। तो इंफॉर्मेशन को प्लेन टेक्स्ट की बजाय साइफर टेक्स्ट मतलब क्रिप्टोग्राफी जो है वो यूज करता है इसमें, और आपका जो भी बैकएंड पे RSA एल्गोरिदम है या फिर DES AES एल्गोरिदम को यूज करके वो एनक्रिप्ट करके मैसेज को सेंड करता है। तो किस आप कोई भी रिमोट लॉगिन अगर कर रहे हो कि किस होस्ट से आप कनेक्ट कर रहे हो, वो प्रॉपरली वैलिडेट होस्ट है या नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो टेक केयर करता है SSH। तो ये इन कमांड्स से रिलेटेड जस्ट एक एक लाइन जो है वो नोट कर लेना, दिस इज मोर देन सफिशियंट। थैंक यू।